खबर मिली है कि आप बहुत सारे जगह में ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल के बारे में आपके थोड़ा सा बताइए। पिछले साल 24 सितंबर 2022 को सही तरीके से शुरुआत की थी उस प्लान में, साइकिल राइड करने का ऑल इंडिया। तो हाँ जी, वो शुरुआत की थी हमने, करते करते अभी हम आंध्र आ गए। आपका साइकिल के बारे में थोड़ा बताइए, किस चीज से आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं? एक ट्राई साइकिल बनाई, उसको रिकमेंड ट्राइक बोलते हैं, यूएसए बेस्ड कंपनी है, कैट ट्राइक वो बनाती है। तो उससे हमने आइडिया लेके हमारे गांव में जो वेल्डर था उसको बोला कि ऐसे ऐसा हमने बनाना है। निजेर प्रत्यंत ग्राम थालीर एक साइकिल तैरीर कारीगर के दिए निजेर तैरी डिजाइनर एई ट्राई साइकिले चेपे गत सेप्टेम्बरे भारत भ्रमणे बेरिएछेन दूषणमुक्त अभियाने। बर्तमाने रयेछेन अन्ध्रप्रदेशे। सरासरि सेखान थेकेई जानालेन तार अभिज्ञतार कथा। 4 महीने तकरीबन उस पे हमने ट्रैवल किया, पंजाब टू कन्याकुमारी उस पे राइड कंप्लीट की। उसके बाद हमने बाइसाइकिल पे अभी आगे का हमने ट्रैवल शुरू कर। जितना हमें पता है कि ट्राई साइकिल यहाँ पे हम लोग का रिक्शा होता है, जो साइकिल रिक्शा होता है वैसा वाला होता है, तो आपका क्या वैसा ही दिखता है? वो मतलब स्ट्रक्चर उसको अगर रिक्शे को आप थोड़ा उल्टा कर दोगे। साइकिल रिक्शाटाके उल्टे नेवा जाक, सामने चाका चले जाबे पेछने, आर पेछने दुटो चाका चले आसबे सामने। এটাই পাঞ্জাবের 27 বছর বয়সের যুবক গুরবিন্দর সিং এর ট্রাইসাইকেল। रिक्शे के पीछे दो टायर होते हैं और आगे एक टायर होता है। ट्राई साइकिल का जो ट्राइक का है उसके दो टायर आगे होते हैं, वहीं से हैंडलिंग होती है और एक पीछे टायर होता है। जो राइड करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, कितने साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे? ये जो हमारी राइड हो रही है ऑल इंडिया की, इसको हमें 6 मंथ कम्प्लीट हो गया। ये जो 24th निकला है, मेरा गाँव है थाली खुर्द, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, पंजाब। स्कूले पढ़ार समय थेकेई छवि आकार प्रति आकर्षण छिल, सेई नेशा थेकेई ট্যাটু আঁকার ব্যবসা। কিছু অর্থ জমিয়ে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। मैंने अपना टैटू स्टूडियो किया, उसके बाद टैटू का थोड़ा कोर्स किया मैंने 1 साल। तो अपने गांव के पास एक हमारा छोटा सा कस्बा है, उधर मैंने अपना स्टूडियो किया। तो उधर मैंने 2 साल काम करके ट्रैवलिंग के लिए पैसा भी जोड़ा और अपने थोड़ा घर में भी जोड़ा। किस चीज से आपको ये मतलब इंस्पिरेशन मिला कि नहीं हमको ट्राई साइकिल में ऐसे ट्रैवल करना है? किस कहां से आपका शुरुआत हुआ? टैटू स्टूडियो में क्या होता था, हम अगर कोई टैटू करते हैं सारा दिन आप बैठ रहते हो, एक ही आपका पोस्चर होता है, बैठ के आपने काम करना होता है फोकस लगा के। तो कुछ दिनों के बाद आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। करते करते वो साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो अभी मेरा 27 ईयर्स एज हो गया। तो ये जो ट्रैवलिंग के लिए जो प्राइम एज होती है, एकदम जो जोश वाली एज होती है, वो यही है 27 से लेके 35 तक या 20-22 से लेके 35 तक। तो मैंने सोचा कि ये टैटू तो बाद में कर सकते हैं हम। तो उस स्टूडियो में मैंने एक आर्टिस्ट अपना हायर किया, उसको रख के अपना ट्रैवलिंग के लिए हम निकल पड़े। बोलें ট্যাটু করার সময় জীবনে অনেক পাবেন, এই 27 বছর বয়সটাই সঠিক সময় এমন স্পোর্টস করার জন্য। आपका जो पहला जर्नी था ये ट्राइसाइकिल में, वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? पंजाब से हरियाणा हमारा पहला डेस्टिनेशन था। पंजाब से हरियाणा जो निकले थे आप, उसका रूट थोड़ा बताएंगे हमें? जैसे हमारा मेरा गांव है वो थाली खुर्द है, वहाँ से हम कुराली गए नियर टू चंडीगढ़, वहाँ से हम पटियाला, उसके बाद हम जींद, भिवानी, नारनौर होके, कोटपुतली होके, फिर जयपुर के जयपुर में एंटर कर गए थे राजस्थान। पंजाब से हरियाणा जो आपने ट्रैवल किया था ट्राईसाइकिल में, इतने कितना दिन का लगा? से हरियाणा हमें आते आते लग गए थे तकरीबन 15 डेज, मतलब पूरा जयपुर तक आने के लिए 15 डेज लगा था। एकदम नया एक्सपीरियंस था, उधर हमने बहुत कुछ सीखा। পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে এসেছেন, সঞ্চয় করেছেন প্রচুর অভিজ্ঞতা। পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানা আয়া, হরিয়ানা থেকে রাজস্থান, রাজস্থান থেকে গুজরাট, গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া, কর্ণাটক, केरल, तमिलनाडु और अभी आंध्रा पहुंच गए, अभी मतलब कन्याकुमारी। तो उसके बाद हमारा केरला भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया। तमिलनाडु कन्याकुमारी टच करके हम रामेश्वरम होके आगे चेन्नई, पांडिचेरी, ये सब देख के अभी हम आंध्र प्रदेश आ गए। इस वक्त अभी आप जा कहाँ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, इस गांव का नाम है पेड़ापारिया और अभी हम इसके बाद नेल्लूर जाएंगे, नेल्लूर के बाद हम जाएंगे ओंगोले, उसके बाद पलाकोलू। देशेर बॉर्डर लाइन धरे एगिए जाबेन पश्चिमबंग, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश। এই দীর্ঘ সফরে সময় লাগবে আরো অন্তত 1 বছর। মতলব ইয়ে যো ইন্ডিয়া কা যো বর্ডার লাইন হ্যায় উস পে হি হাম ট্রাভেল কর রহে হ্যায়, মতলব আবি কোস্টাল কোস্টাল পে জা রহে হ্যায়। তো ইয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল তক হাম কোস্টাল কোস্টাল পে জায়েঙ্গে, উসকে বাদ যো আকে সেভেন সিস্টার নর্থ ইস্ট वो हम ट्रैवल करेंगे, मतलब सारा बॉर्डर लाइन इंडिया का कवर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वेस्ट बंगाल होकर फिर आप लोग वो सिक्किम होकर नागालैंड वहाँ पे भी जाएंगे क्या? हाँ, वो भी मतलब सारा इंडिया का जो बॉर्डर लाइन पे स्टेट्स है वो करेंगे। अच्छा, मतलब नागालैंड होकर फिर वहाँ पे हिमाचल प्रदेश होकर फिर तिब्बत से सामने। हाँ जी, उसके बाद नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेशी होके फिर बिहार, बिहार के बाद हम उत्तराखंड वगैरह करके उत्तर प्रदेश, ये सब करके हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह, वो सारा करके हम जम्मू से पठानकोट पंजाब एंटर कर जाएंगे। अच्छा, वहाँ जम्मू से पंजाब जाएंगे, मतलब काफी दिनों का लंबा जर्नी है आपका आगे। हाँ जी, अभी एक साल का और है। इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? हमारा कोई पर्पस नहीं था, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ट्रैवल करना है कैसे, क्या सामान कैरी करना है। সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না গুরবিন্দারের। বললেন, পথে চলতে চলতে দেশের নানা সংস্কৃতি, খাওয়া, ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চলতে 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 हमें पता लगा कि इंडिया का कल्चर कितना डाइवर्स है, वो हमें उसके बाद ही पता लगा। हमने बहुत तरह का लैंग्वेज है, बहुत तरह का फूड है, बहुत तरह का लोग मिलेगा तुम्हें। स्टेट बाय स्टेट हम जब गाँव में से हमारा हम जाते हैं तो कल्चर, फूड, फेस्टिवल, उनका क्लोदिंग कैसा है, कैसा वो अपने आप को ड्रेसअप करता है। अभी फिलहाल क्या आप ट्राईसाइकिल में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर बाईसाइकिल में? हाँ जी, अभी हमारा पंजाब टू कन्याकुमारी हमने किया था एक कम्बाइन ट्राइक पे, वो हो गया हमारा डन। उसमें हमने किलोमीटर कवर किए थे 3500। तो कन्याकुमारी से हमने साइकिल स्विच किए बाईसाइकिल में। हमारी जो ट्राइक्स हमने बनाई थी उसका वेट बहुत ज्यादा था, बहुत एक्सेसिव वेट था उनका। अकेले फ्रेम की बात करूँ तो 40 से 45 किलो आपका फ्रेम होगा। जो ट्रैवल करते हैं वो जानते होंगे कि फ्रेम जितना हल्का हो साइकिल का उतना आपको। तो उसमें क्या हो रहा था, जो हमने एक दिन में ट्रैवल करना है बाईसाइकिल पे, हम 100 किलोमीटर कर देते हैं, वो दो दिन में हो रहा था। दो दिन में होने की वजह से खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमने कन्याकुमारी तक उसको लेके गए। उसके बाद हमने साइकिल स्विच कर लिया बाईसाइकिल में। तो आप बताइए, ट्राईसाइकिल में आप मतलब इतना लंबा जर्नी है तो आप क्या क्या साथ में क्या क्या रखते क्या थे? आपको हम अब रखते हैं थोड़ा बहुत कपड़ा, जैसे 3 लोअर्स 2 टी-शर्ट, ठीक है जी, 3 आपका शॉर्ट्स होना चाहिए आपके पास, थोड़ा विंटर के लिए आपके पास कपड़ा चाहिए 1 या 2। জামা কাপড় ছাড়াও শীতের পোশাক, সিলিন্ডার, স্টোভ রেখেছেন সাইকেলের সঙ্গে। বিউটেন গ্যাস কা এক থোড়া ও স্টোভ আতা হ্যায়, ছোটা সা হোতা হ্যায়, বহুত কম্প্যাক্ট হোতা হ্যায়, উসকে সাথ সিলিন্ডার আতে হ্যায়, ও রখ সকতে হ্যায় আপ কুকিং কে লিয়ে। আর রাত কো হামেশা ঠহরতে কাহাঁ পে হ্যায়? 3-4 হামারি জো ফেভারিট লোকেশন দিয়ে হ্যায়, হাম পেট্রোল পাম্প পহলে তো প্রেফার করতে হ্যায়, পেট্রোল পাম্প পে এসা হ্যায় আপকো। রাত্রে থাকেন পেট্রোল পাম্পে, পুলিশ স্টেশনে, কখনো হোটেলেও থাকতে হয়। পেট্রোল পাম্পে সব রকম সুবিধা আছে, এমনকি মোবাইলের চার্জও দেওয়া যায়। अच्छा, आप ये जो ट्रैवल कर रहे हैं इतने लंबे जर्नी, तो काफी सारे स्टेट्स आपके सामने आए हैं, काफी सारे कल्चर्स आपके सामने आए हैं, तो लैंग्वेज बैरियर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे? अलग साउदर्न इंडिया में जो भाषा है कर्नाटक केरला, उसका भाषा तो काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, और वहाँ पे काफी लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते, तो इसको आप कैसे हैंडल किए हैं? तो अगर आप ट्रैवल करोगे साउथ के लिए तो आपको केरला से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केरला में बहुत जो उधर का लोकल पीपल है वो बहुत कोऑपरेट करता है आपके साथ। केरलर मानुष खूब सहाय्य करेछेन, हिंदी जानता है वो बोलता है, लेकिन अगर आप तमिलनाडु चले जाओगे तमिलनाडु में आपको मुश्किल होगा। भाषा समस्या है तमिलनाडु ते, अगर आप तमिल नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी जब ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे खाना भी अलग अलग आता है, तो आपके यहाँ पे पंजाब में जो कि खाना होता है मसालेदार खाना होता है, फिर आपका जो फूड हैबिट है वो चेंज होते रहता है अलग अलग जगह में, तो ऐसा तकलीफ नहीं हुआ वहाँ पे अलग अलग खाना अलग अलग शहर में, ये इसको आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, यही ट्रैवल की बहुत खूबसूरत बात है कि आपको खाना ही पड़ेगा लोकल फूड, अगर आप अपना नहीं पका रहे तो। उसकी वजह से हमने अलग अलग फूड टेस्ट किया। लोकल फूड खेते ही है, साउथेर इडली, धोसा, परोटा, कर्नाटकेर पोलाव पावा जाए 30 টাকা প্লেট। মহারাষ্ট্রে খাবার পেতে অসুবিধা হয় না। जो कोकन एरिया था महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का, उसमें थाली में था, थाली में उनका अलग अलग सब्जी का टाइप होता था, उनकी चपाती बनाने का स्टाइल, उनका एक नारियल का चटनी होता था बहुत बढ़िया, वो हमने टेस्ट किया। साउथ में आ गए तो इडली, डोसा, पुलाव, सांभर, तो ये सब टेस्ट किया है। एक यहाँ परोठा मिलता है, बराठा बोलते हैं उसको, ये तकरीबन दुनिया की हर वैरायटी पंजाब में खाने को मिल जाती है, तो पंजाब खाने के लिए बहुत मशहूर है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आप फूड अपने पंजाब में खाते हो आपको महाराष्ट्र तक मिल जाएगा। उसके बाद आपको गोवा में मिल जाता है, कर्नाटक से आपको प्योर साउथ फूड देखने को मिलेगा। अभी कर्नाटक में हमें पुलाव बहुत पसंद आया, बहुत वो बजट में आपको 30 रुपए में अच्छा क्वांटिटी मिल जाता है पुलाव का। रात को डिनर में हमें जो मिलता है डोसा वगैरह, बराठा वगैरह। जाते हुए जो लोग बदलते हैं, लोगों का भाषा बदलते हैं, वर्ताव बदलते हैं, तो इसको आप क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक? अरे बहुत कमाल के लोग हैं भाई, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं। ঘরে বসে টিভিতে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের খারাপ কথা না শুনে তাদের সামনে আসলে বোঝা যায় মানুষ কতটা উপকারী। বহু জায়গায় মানুষ তাকে খাইয়েছেন, হোটেল অনেক সময় পয়সা দিতে চাইলেও নেননি।
अभी घर बैठोगे अब न्यूज चलाओगे तो आपको दुनिया भर का हिट देखने के लिए मिलेगा कि ये ऐसे हैं, ये स्टेट ऐसा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। लेकिन अब जब हम गए गांव देहाती इलाके से तो लोगों ने ऐसे गले लगा लगा कर हमें खाना खिलाया फ्री में। हालांकि हम ऑफर करते थे उनको कि आप अपना जो हक बनता है वो तो लिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इतने सारे लोगों से मिल रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इतने सारे लोगों को? युवा समाज के बोलबो, साइकिल नाओ, बेरिए पड़ो, पॉल्यूशन फ्री अभियानेर शामिल हो। जो हमारे यूथ के लिए ये मैसेज है मेरा, ट्रैवल करने का सबसे बड़े तरीका है आप साइकिल उठाओ उस पर ट्रैवल करो। एक तो आप पॉल्यूशन फ्री ट्रैवल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। अगर आप ट्री प्लांटेशन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप पॉल्यूशन भी मत करो। साइकिल अभियान चला ले बहु मानुषेर संगे मिशा जाए, बहु दृश्य देखा जाए। तो अगर आप स्लो ट्रैवल करोगे आपको चीजें देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। और साइकिल पे क्या है, आपको या तो मजबूरी वर्ष लगा लो कि आप धीरे धीरे चलते हो, आपको लोग मिलते जाते हैं, आपको रोकते हैं, पूछते हैं आपके ट्रैवल के बारे में, कोई आपको ऐसा खूबसूरत दृश्य दिखा, आप रुकोगे, फोटो वगैरह खींचोगे, वीडियो निकालोगे उसकी। तो ये साइकिल से ट्रैवल करना मुझे लगता है कि बेस्ट चीज है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये मेरा यूथ के लिए छोटा सा मैसेज है। भारतवर्षेर मध्येई अनेक देशेर आस्वादन पावा जाय, एत वैचित्र पृथिवीर आर कोथाओ नेई। देखो इंडिया की हर स्टेट आपको एक अलग कंट्री की तरह मिलेगी। जैसे पंजाब से मैं हरियाणा आऊंगा तो लैंग्वेज एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम चेंज हो जाएगा, उनकी जो फूड खाते हैं वो एकदम चेंज हो जाएगा। और अगर आप राजस्थान आ जाओगे तो उनका अलग है, वो हर स्टेट में बहुत अलग मिलेगा, एकदम नई कंट्री की तरह आपको एक्सपीरियंस होगा। एक तो बजट में हो जाएगा और कंट्री की कंट्री घूम हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिप का आपका क्या ख्याल है? बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज लगती है, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो इस साइड साउथ साइड। এরপর যাওয়ার ইচ্ছে আছে ভারত সংলগ্ন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল সহ বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে হম লোক কা বহুত সারা রাইডার আতে হ্যায় সাইকেল মে, আর ইয়াহাঁ কে সাইক্লিস্ট ভি বহুত সারে বাংলাদেশ মে জাতে হ্যায়, তো ওয়াহাঁ কা জো ওয়েদার হ্যায় জো শায়েদ আপকো বাংলাদেশ মে ট্রাভেল করনে মে বহুত জ্যাদা আসানি ভি হোগা। বহুত আসানি হোগা। আপকা এক কলকাতা কা রাইডার হ্যায় আরগ্যা মন্ডল, উসকা নাম হ্যায়, ও হামে হামারে ট্রিপ কে দৌরান হি মিলা থা। উসনে বাংলাদেশ কা ট্রিপ কিয়া থা, তো উসনে হামে अपना जर्नी मतलब शेयर किया। तो उन्होंने जैसे हमारे उसका डेस्टिनेशन था आगे आगे उसने बता दिया कि मैं अब यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। कोलकाता एक जोन साइक्लिस्ट बांग्लादेशेर जाबतीय तथ्य गुरविंदर के दिए छेन, सेटा नियेई परिकल्पना करछेन परेर अभियाने। फ्री में रेंज करा दिया, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उस भाई का बांग्लादेश का। वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिलहाल तो आज का इंटरव्यू यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।